हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको नेक्स्ट एल्डोल रिएक्शन करवाऊंगा, जिसका नाम है मुकायमा एल्डोल रिएक्शन। मुकायमा एल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, इस नेम रिएक्शन के अंदर किसकी रिएक्शन होती है, इनोलेट एंड कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। और इसके अंदर जो इनोलेट हम यूज करते हैं वो सिलेन इनोलेट हम यूज करते हैं, और वो इनोलेट ई इनोलेट या फिर जेड इनोलेट कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जब प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे, ये इनोलेट और कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे, तो इन दोनों मिलने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है, लेविस एसिड या लेविस बेस हम यूज करते हैं। लेविस एसिड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, जैसे टिन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में SN2, जिंक 2, लिथियम 1, बिस्मिथ 3। मीन्स मतलब क्या हुआ कि हम इनकी इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये मेटल हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिया था जैसे टाइटेनियम 4। टाइटेनियम 4 का मतलब क्या हुआ, TiCl4। टाइटेनियम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे कि हमने लिया, यूज किया जिंक 2, मतलब जिंक 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है यहाँ पे, मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, और लेविस बेस हम कौन से यूज कर सकते हैं, फ्लोराइड होना, वो बेस जो फ्लोराइड को फ्लोरिन को डोनेट करे तो वो हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों, जो मोस्ट कॉमनली यूज जो कार्बोनिल कम रिएक्टेंट जिसके अंदर यूज होता है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड ही इसके अंदर यूज करेंगे कार्बोनिल रिएक्टेंट, लेकिन कीटोन भी कर सकते हैं और एसिटल भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ एप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन के साथ ही वो यूज किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी की। किसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करेंगे, अब यदि दोस्तों, सबसे पहले हम इनोलेट की बात करते हैं। इनोलेट की बात करते हैं तो इनोलेट हमारा ये है सिलिकॉन इनोलेट। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन सिलिकॉन Me3R3 ग्रुप, ये R3 और ये R2 का मतलब हुआ, ये सेकंड R ग्रुप है, ये थर्ड R ग्रुप है, ये सेकंड R ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी कि स्टीरियो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, और अब जैसे कि R2 हमारा हाइड्रोजन अल्काइल एराइल ये ग्रुप हो सकते हैं, R3 कौन से हो सकते हैं, अल्काइल एराइल OR SRH। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की क्या होगी, तो इसलिए हम बात करेंगे डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर। तो यदि R2 ग्रुप स्मॉल है और R3 ग्रुप बल्की है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि हमारा ये R2 ग्रुप स्मॉल है और R3 ग्रुप बल्की है, R3 बल्की ग्रुप है, R2 स्मॉल ग्रुप है, तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। अगर दोस्तों इसका अपोजिट है कि R2 ग्रुप लार्ज है और R3 स्मॉल है, तो ये जैसे R2 लार्ज है, R3 स्मॉल है, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, सिन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर एल्डिहाइड कैपेबल है किसके लिए, चिलेशन के लिए, चिलेट कर ले, तो हमें तब भी हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, सिन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्या हुआ, इन दोनों केस में सिन प्रोडक्ट है, एंटी प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। मतलब कि यदि यदि R3 ग्रुप बल्कि है ना, R3 ये वाला जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, तभी हमें प्रोडक्ट एंटी मिलेगा, मतलब कि ये सिंगल बॉन्डेड ये वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं जिसकी रिएक्शन की। तो रिएक्शन के अंदर कैसे करते हैं, जैसे ये हमने एल्डिहाइड लिया, ये हमारा इनोलेट है, सिलिकॉन इनोलेट है, तो ये R3 ग्रुप है, ये R2 है, मतलब कि सेकंड थर्ड कार्बन है ये, मतलब आई मीन थर्ड R ग्रुप, सेकंड R ग्रुप है ये, थर्ड है ये,
पोजीशन बता रही है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे लेविस एसिड या लेविस बेस हमने यूज़ किया, अकोस वर्कअप यहाँ पे वर्कअप किया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एक एंटी प्रोडक्ट मिला और एक हमें सिन प्रोडक्ट मिला। मतलब कि जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस दोनों कार्बन के ऊपर हमें यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, ओएच अबव द प्लेन आर बिलो द प्लेन, यहाँ पे ओएच अबव द प्लेन आर भी अबव द प्लेन, मतलब कि सिन प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो नाउ वी विल डू वन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये ओ आर, मतलब आर इसको डिनोट कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन और Me3 इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आर किसको डिनोट कर रहा है, सिलिकॉन Me3 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप है हमारा, मतलब कि TBS ग्रुप ले रखा है यहाँ पे, जो कि लार्ज ग्रुप है, तो यहाँ पे उसके साथ रिएक्शन होगा, तो ये आर ग्रुप के बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे हमने लेविस एसिड यूज़ कर रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास अगर ये R3 ग्रुप यदि लार्ज है, R3 ग्रुप यदि बल्कि है, लार्ज है, तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे R3 ग्रुप को क्या ले रखा है, बल्कि ग्रुप ले रखा है, TBS ले रखा है, जो कि लार्ज ग्रुप है, तो इसका तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा दोस्तों, हमें एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, ये Me ग्रुप और ये OH ग्रुप हमें एंटी पोजिशन पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बात करना चाहते हो कि हमें मैकेनिज्म क्या हुआ इसका, तो मैकेनिज्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इसका प्रोडक्ट, तो हमें आंसर क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर मिलेंगे प्रोडक्ट, तो हमें तो ओनली क्या देखना है, स्टीरियो देखनी है, तो स्टीरियो मैंने आपको बता ही दी, मैकेनिज्म का क्या 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 करना है ना दोस्तों। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।